क्यों लेकिन मैं मुझे अननेसेसरी बायोकेमिस्ट्री के तरफ चलते हैं अगर ये भाई अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं जी सर अपना अपना तारुफ करवाइएगा जी अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी बायोकेमिस्ट्री हूं पोस्ट डॉक भी हूं बायोकेमिस्ट्री में और इसके साथ साथ मैंने बहुत पढ़ाई की है और इसके साथ साथ मैंने बहुत पहले से इसके ऊपर डार्विनिज्म के ऊपर पढ़ा है पढ़ाता भी हूँ बच्चों को एमएससी लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे ट्वेल्थ लेवल पे और मेरा एक अलग नैरेटिव इसमें डेवलप हुआ है जब हम डार्विनिज्म पढ़ाते हैं तो हम दो चीज़ें पढ़ाते हैं एक डार्विन की थ्योरी फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डारविन थ्योरी बट कैसर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डार्विन की थ्योरी ठीक है लिमिटेशन भी ठीक है तो ये लोग जो डार्विनिज्म पे अटके हुए हैं इसे आगे ये न्यू सिंथेटिक थ्योरी क्यों नहीं बोलते उनको ये समझ में नहीं क्यों नहीं आती कि अब न्यू सिंथेटिक थ्योरी से भी लोग आगे जा चुके हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि <coughs> अक्सर क्योंकि मैंने एक डिबेट में हिस्सा लिया जब मैंने उस वक्त कहा था कि एवोल्यूशन हो रहा है एम में था उस टाइम तो मुझे वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि एवोल्यूशन कहा कैसे हो रहा है ये तो अब अभी तक हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं बता पा रहे हैं बस हमें विद इन दर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन ठीक ठाक होते हुए नजर आ रहा है बट स्पीसीशन का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है ठीक फिर है। आ, आपकी मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था मैंने मेरी गलती है कि मैंने रिसर्च नहीं जो लेमा की जो लेमार्क थ्योरी है फाइलोजीनी क्रिएट ऑनटोजेनी और वो तो मैं उस पर अक्सर सोचता था कि ऐसे तो हो नहीं सकता जब उनको देखता था फिर अलहमदिल्ला 2022 का पेपर मैंने डाउनलोड किया और उसमें प्रॉपरली उसमें ये डिस्कस हुआ है कि उसको तो नेगेट कर रहे हैं अक्सर साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसको डिस्कार्ड ही कर ले अब इसको हम लॉ ही ना माने ये बायोजेनेटिक लॉ होगा ही नहीं बट बहुत सारे जो कुछ इमोशनली इसमें आ चुके हैं और चाहते हैं कि ना रहना चाहिए अब हम इसमें न्यू बायोजेनेटिक लॉ लाए या न्यू डार्विनिज्म जैसे आया था

अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो मोस्ट वेलकम आप आए मुझे बड़ा अच्छा लगा आप शायद मोस्ट एजुकेटेड पार्टिसिपेंट हैं हमारे शो के एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोगों से जब मेरी बात होती है लुक uh, हमारी बदनसीबी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया में जिस तबके से हमें बात करना पड़ती है हमें उनके अकायद भी उनको सिखाने पड़ते हैं और फिर उसकी गलतियां भी बतानी पड़ती हैं आपने तो बड़े एडवांस लेवल की बात की है कि ये लोग न्यू डारम जैसे आए तो उसके बाद न्यू सिंथेटिक थियरी की बात क्यों नहीं करते हैं आपको शायद सुन के ये हैरत हो कि मुझे बड़ा वक्त लगा पाकिस्तानी इर्तकईयों को ये समझाने में कि डारवनिज़म और इवोल्यूशन एक ही चीज़ नहीं है दे आर टू डिफरेंट थिंग्स वो आगे से हंसना शुरू कर देते थे वो मजाक बना रहे होते थे वो तो मैं, हमने तो बात कभी नहीं सुनी है कि जैसे कि लमार्कियन है या आजकल थर्ड वे है तो ये और या डी है इंटेलिजेंट डिजाइन राइट अब उसमें हम कई चीजें हैं जो उसमें नॉन साइंस बीच में आ जाती है that's one thing. However, जब हम ये भी हमें समझाना पड़े कि डारोनिज्मतका नहीं है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फिर ये लोग क्यों उन चीज़ों पर अटके हुए हैं ये बात मैंने गालिब कमाल से जो मेरी डिबेट थी उसमें मैंने अर्ज़ की थी कि कुछ आपको इन्फॉमे जो एक्चुअल रियल इंफॉमेशन होती है वो आपको मिलती है जब आप टेक्निकल पेपर्स पढ़ते हैं दूसरे हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलता है मीडिया लेवल विकीपीडिया कॉमन आर्टिकल्स नेशनल जयोग्राफिक इस तरह के जो uh, uh, अपना प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ये जो पॉपुलर मीडिया है उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है रियल साइंस को बड़ा कम फॉलो किया जाता है मैंने गालिब कमाल से डिबेट के दौरान भी मैंने कई जो रियल पेपर्स थे उनमें से मैंने वो चीज़ें लाई जो जो कॉमन परसेप्शन हैं एवल्यूशन की उनको आ, निगेट करते हैं यानी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी बता देता हूँ जैसे एक बात कही जाती है आमतौर पर इंसान और चिम का नाइन्टी नाइन परसेंट डी डी एन मिलता है या 98% मिलता है

जो पॉपुलर मीडिया है उसमें आप जाएंगे तो आपको 99.7 परसेंट कह देंगे लोग मान जाएंगे ऐसे ही बहुत सी और चीजें आपको पॉपुलर मीडिया में मिलेंगी जैसे माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन में कोई फर्क नहीं होता माइक्रो इवोल्यूशन वही होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है क्या उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है एब्सोल्युटली नॉट लेकिन अगर आप एट लीट लेवल के पे जब आप जाते हैं जब आप पेलियोथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं नायल्स एलरिज को पढ़ते हैं स्टीवन जे गोल्ड को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको दुनिया ही और मिलती है वहां पर आपको पंक्चुएटेड एक्म की थ्योरी मिल रही है जो कह रही है कि कोई ये ग्रेजुअलिज्म है ही नहीं

You know, I, I can बताने पड़ते हैं और फिर नुक्स भी बताने पड़ते हैं तो आप तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हम तो अभी इन बेसिक हुए, हुए हैं जी मैं क्योंकि मैंने परवेज गुड बॉय का भी वो सुना था बट uh, जब मैंने उनका सुना तो मुझे बड़ी आई क्योंकि एक बंदे ने उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि डिवाइड कैसे हुए तो उसने बड़े मजाक में उसको मतलब डाल दिया प्रोटीन क्योंकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन था जब हम अः uh, uh, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं जो ओवेल की थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसमें देखते हैं कि अच्छा ये प्रोटीन्स डिवाइड हुए तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है प्रोटीन डिवाइड कैसे होते हैं डीएनए डिवाइड होने में उसकी कैपेसिटी है फिर उसमें आर एन ए वर्ल्ड थ्योरी डाली जाती है उसको इतना भी इस भी नहीं पता था कि आर एन ए वर्ल्ड थ्योरी क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ बट उसने मजाक में उड़ा दिया तो ये चीजें ये मुझे लग रहा है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपने आप को वो दिखाने के लिए ये डार्विनिज्म और रेवोल्यूशन बात ये... करें वरना हकीकत में इनको साइंस समझ में नहीं आती है

खुद नहीं मानते मतलब... हैं और मैंने मैंने तो उनके जो हैं। मैंने एक उनके उनके जो एक वीडियो में भी किया था था से पूछा, बार -बार तो पूछा चैलेंज करता वालों से कहें कि हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने दें अगर उन्हें पढ़ाने दिया तो हम और, इसको मान जाएंगे बना था बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात है कोई तुक नहीं बनती थी उसकी जबकि कोरोना वायरस की एक इंट्रैक्शन है ह्यूमन और एनिमल ये एनिमल और बैट इंट्रैक्शन की वजह से एक थ्योरी है वो भी थोड़ी सी मानी जाती है और उसमें भी अभी रिसर्च ही नहीं है बट वो कह रहा है कि कॉस्मिक रेज की वजह से ये बना है बिल्कुल <laughs> कुछ बायोलॉजी का नहीं पता बट एवोल्यूशन पे बात कर रहा है तो मुझे भी लगा कि ये लोग बस एवी है बहुत बहुत शुक्रिया

तो डी मेरा इस पे इंस्टाग्राम आईडी भी है बहुत सारी तो आप एक मेल आप आप या तो 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 आप मुझे आप मेल दे दीजिए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है ठीक आप जो है वो प्राइवेट चैट में ईमेल लीव कर दीजिए बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपको जब तक आप ईमेल सेंड करेंगे या अपना कॉन्टेक्ट सेंड करेंगे तब तक आप रहेंगे इन फिर हम प्रोसेस